जय श्री राम प्रेमी भक्तों, भगवान को अभी इसी समय ऐसे याद करके देखो, जो चाहोगे वही फल मिलेगा। प्रेमी भक्तों, जानते तो बहुत सारे लोग हैं कि भगवान को कैसे याद करना चाहिए, लेकिन वैसे करते नहीं हैं, जानने के बाद भी नहीं करते, और फिर आशा ये करते हैं कि उनको मनचाहा फल मिल जाए। हिंदू धर्म में सभी लोग ये आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे की, परंतु ना ही तो उस आरती का अच्छी तरह से अर्थ समझते हैं, और उस आरती के एक भी शब्द को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो हम ये गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको मनचाहा फल तुरंत मिलेगा। उसकी एक लाइन है, जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का, और सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का। जरा ध्यान दीजिएगा, संत यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो ध्यावे फल पावे, यानी कि जो भगवान को याद करता है, उसका ध्यान करता है, उसी को फल की प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह है कि किस तरह से हमें भगवान को याद करना चाहिए, और किस तरह से ध्यान करें, और किसका ध्यान करें। तो हो सकता है कि आपको आपके गुरु ने बताया होगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए और भगवान को कैसे याद करना चाहिए। अगर नहीं बताया है तो हम बता देते हैं। अगर आप भगवान का ध्यान करते हो, उनको याद करते हो, तो उनको याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आप सच्चे मन से बच्चे बन करके उनको याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को पुकारता, उसे और कुछ नहीं पता होता, बस उसे अपनी माँ से मतलब है। तुम अगर ऐसे उसको याद करोगे, ऐसे पुकारोगे, तो वो निश्चित ही तुम्हारी उसी पल सुनेगा, मनचाहा फल तुम्हें देगा। अब प्रश्न ये उठता कि ध्यान कैसे करें। अब छोटा बच्चा होता है, उसे अपनी माँ की मोहिनी मूर्त ही उसके मन में बसी होती है, बस उसको वो ऐसे बसाए रखता है, उसके सिवा उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप भी उस अंतर्यामी, उस स्वामी, उस प्रभु का जब ऐसे ध्यान करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसके सिवा आपके हृदय में और किसी की छवि नहीं होगी, तो तत्काल आपको मनचाहा फल मिलेगा। और अगर आप एक जगह बैठकर ध्यान करते हैं, तो उसी के रूप का, उसी के नाम का ध्यान अपने आज्ञा चक्र में करें, और आप कुछ भी नहीं जानते तो बस अपने आज्ञा चक्र में देखते रहें, तो आपको वो स्वरूप अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगा। तो भक्तों, ये तो बात हुई कि जो ध्यावे फल पाए, यानी कि आप उसको याद करोगे, उसका ध्यान करोगे, तो आपको निश्चित ही फल मिलेगा, और जो चाहोगे वही फल मिलेगा। अब आगे है, सुख संपत्ति घर आए और कष्ट मिटे तन का। तो जो व्यक्ति उसको याद करता है, उसका ध्यान करता है, उसके घर में सुख संपत्ति बिना बुलाए ही आ जाती है, बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। धन, वैभव, समृद्धि, संपत्ति, नाम, शोहरत, सफलता, सब कुछ सुख संपत्ति में सब कुछ आ जाता है। और फिर अगली लाइन है कि कष्ट मिटे तन का। कष्ट इस सारे तन के मिट जाते हैं, किसी भी प्रकार का, कोई भी मानसिक, शारीरिक, कैसा भी कष्ट हो, सब कष्ट तत्काल मिट जाते हैं। उसके घर में तो एक पल की भी देरी नहीं लगती, लेकिन हम उसको याद करते ही नहीं हैं, उसका ध्यान करते ही नहीं हैं। और अगर आपका इतना अभ्यास बढ़ जाएगा कि आप दिन में सारे कार्य करते करते उसको याद करते हैं, या एक जगह बैठकर कम से कम 1 घंटा 2 घंटा उसको याद करने लगे हैं, तो ये निश्चित है कि जीवन में कभी दुख जो है ना, आपके घर पे भूल कर भी नहीं आ सकता। सुख संपत्ति आपके घर में हमेशा रहेगी, शारीरिक कष्ट मिट जाएंगे, जो फल आप चाहेंगे वही तत्काल मिल जाएगा। भक्तों, एक बार इस भगवान नाम पे भरोसा करके देखिए, और इसे जप कर देखिए, फिर देखिए किस तरह आपके जीवन में सुख संपत्ति आती है, और कभी लौट करके आपके घर से जाएगी ही नहीं, ये हमारा पूर्ण भरोसा है। और सभी संतों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, आप मान कर तो देखिए उनकी बात को। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।